रामद्रोहियों को राम मंदिर के साथ साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी रही है कि अयोध्या के मुस्लिम शुरू से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में क्यों हैं। अयोध्या जाकर मुस्लिमों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो शुरू से ही अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखना चाहते थे। अयोध्या के मुस्लिम बंधु भारत की गंगा जमुनी तहजीब और संप्रभुता के वाहक हैं। दरअसल अयोध्या के मुस्लिम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दशकों से अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं, जिससे अयोध्या को काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन से पूरे इलाके को फायदा होता है और अयोध्या के मुस्लिम बंधु ये भली भांति जानते हैं कि पर्यटन से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। जब उन्हें राम मंदिर से आपत्ति नहीं, प्रभु श्री राम से लगाव भी है, तो क्यों राजनीतिक पचड़े में पड़कर अपनी स्थिति खराब करेंगे। क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर निर्माण होने के बाद पूरे विश्व से श्रद्धालु राम भक्त पर्यटक इस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए आएंगे। जैसे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को देखने के लिए जाते हैं और काशी में भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने आते हैं। जब पर्यटन और तीर्थ को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित है कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के पास रोजगार के बढ़िया अवसर उपलब्ध होंगे। अयोध्या के युवाओं को काम की तलाश में बाहर जाकर भटकना नहीं होगा। नए नए होटल और शोरूम खुलेंगे तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। अयोध्या के मुस्लिमों ने माँ वैष्णो देवी यात्रा में मुस्लिमों के सौहार्दपूर्ण समर्पण और उनकी खुशहाली को महसूस किया है। साथ ही वो हिंदू मुस्लिम एकता के परिचायक भी हैं। इसलिए अयोध्या का मुस्लिम भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हमेशा से तैयार था और आज भव्य शिलान्यास के लिए तैयार है। वहीं राम द्रोहियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं और अब तो वो शुभ घड़ी भी आ गई है। इसलिए अयोध्या में क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सब अपने आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखने की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे हैं। जय श्री राम।